अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सातवीं जमात की एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत नज़्म पढ़ेंगे और इस नज़्म के शायर हैं हसरत जयपुरी। बच्चों, कुदरत ने हमें बेपना दौलत से नवाजा है, यानी बेपना कुदरती दौलत से नवाजा है। हम हर वक्त इस मनाज़े इस कुदरती दौलत की तारीफ़ करते हैं। आसमान के नज़ारे, चांद सितारे हमें बहुत लुभाते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। इनके फल हमें बहुत रसीले और मीठे लगते हैं। उसी तरीके से बहता हुआ पानी, आबशार, झरना, नदी, समंदर, हम ये सब चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। रंग बिरंगी फूलों को देखकर उसकी महक सभी को बहुत लुभाती है। इसे हम तस्वीरों में भी कैद करते हैं। उसी तरीके से उगता हुआ सूरज हो या डूबता हुआ सूरज, ये मनाजिर ख़ास तौर से लोग देखने के लिए दूर दराज जाते हैं, जैसे महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला। यानी ये जितने भी कुदरती मनाजिर हैं, इन सब की हम तारीफ़ करते हैं। और ये सारे मनाजिर हमें किसने अता किया है? कुदरत ने, खुदा ने। बच्चों, इसी तरीके से एक और हस्ती या शख्सियत है जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, और ये शख्सियत, ये हस्ती की ज़रूरत हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है। शायद आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही। आज हमारे जो नज़्म है उसका उन्वान है माँ। दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है, दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है। माँ है जनाब, वो कहाँ हार मानती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि माँ तो माँ है, हर हाल में वो अपने बच्चे को खुश रखना चाहती है। मुझे इस वक्त किसी की कुछ कही हुई बातें याद आ रही हैं। माँ जब रसोई से रोटियाँ लाए और अपने हाथ से खिलाए, तो प्यार से खाना, बड़े सुकून और करार से खाना। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है बच्चों, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है बच्चों, ज़िंदगी यूँ सब पे मेहरबान नहीं है। ज़रा देखो अपने चारों तरफ, ज़रा देखो अपने चारों तरफ, किसी के पास रोटियां नहीं हैं और किसी के पास माँ नहीं है। तो आइए बच्चों, हम नज़्म की शुरुआत करते हैं। हर चीज़ मिल सकेगी पर माँ नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा है। हम इस दुनिया में हर चीज़ मुश्किल या आसान से ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ हम माँ नहीं ख़रीद सकते। यानी हम इस दुनिया में हर चीज़ मिल सकती है, जो नहीं मिल सकता है वो है सिर्फ माँ। इसने जन्म दिया है, एहसान ये किया है। बिल्कुल सही कहा है शायर ने। बच्चों, माँ ने हमें जन्म दिया है, ये सबसे बड़ा एहसान हम पे किया है, और इस एहसान का बदला हम उतार नहीं सकते। इसलिए बच्चों, हमेशा हमें अपने माँ का अदब व एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में हमें ला के माँ ने हम पे जो एहसान किया है, उस एहसान का बदला तो नहीं उतार सकते, लेकिन हम अपनी माँ के अदब, एहतराम, खिदमत करके हम एहसान उतारने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस एहसान का बदला तो नहीं उतर सकता, लेकिन अदब व एहतराम करना लाजिम है। आराम दे के हमको दुख दर्द ले लिया है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों की हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड होती है,
आज मम्मी ये पकाइए, आज मम्मी वो पकाइए, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें वहाँ जाना है, यानी हम हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश करते हैं बिना देखे हुए कि हमारी माँ को कुछ तकलीफ़ है या हमारी अम्मी को बीमार है या कुछ ज़रूरी काम है। नहीं, हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। और माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जो बच्चों को अपने आराम देकर खुद दुख दर्द ले लेती है। यानी अगर बच्चा ज़रा सा भी बीमार है तो माँ चाहती है कि मेरा बच्चा आराम करे, मैं उसके सारे काम कर लूँ। यानी माँ को अपनी तकलीफ़ कभी दिखाई नहीं देती, वो हमें आराम दे के हर तरह के काम करने की कोशिश करती है। दुनिया यूं ही बसेगी पर माँ नहीं मिलेगी। यहाँ दुनिया यूं ही बसेगी का मतलब है कि दुनिया का जो कारोबार है, दुनिया का जो सिलसिला है, वो हमेशा चलता रहेगा, पर जो चीज़ नहीं मिलेगी या जो शख्सियत, जो अजीम हस्ती हमें नहीं मिलेगी, वो है माँ। किन मुश्किलों से पाला, किस प्यार से संभाला। हम नहीं जानते हैं कि हमारे माँ को या हमारे माँ बाप को, हमारे वालिदैन को कितनी मुश्किलों से सामना करना है। हमारे सामने सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, वो है हमारे वालिदैन, हमारी माँ की मोहब्बत। हम गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं या अमीर घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे माँ ने हमें मुश्किलों से पाला पोसा बड़ा किया और बहुत ही प्यार से संभाला। ज़रा से भी हमें भनक पड़ने नहीं दी कि उसे कुछ तकलीफ़ है या ये करने से उसे तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए शायर ने कहा है कि माँ ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है और बहुत ही प्यार से संभाला है। यानी माँ ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाकर हमें पाला पोसा है और हमें बड़ा किया है। खुद मुसीबतें झेलती गई हैं और हमें हर हाल में आराम ही दिया है। इसके ही दम कदम से हम सब का बोल बाला। दम कदम से मुराद हम ये कह सकते हैं बच्चों कि वजह से, यानी माँ की वजह से ही हमारा शोहरत, इज्जत, तरक्की है। यानी माँ ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में हमारा नाम है। हमें जो शोहरत, हमें जो तरक्की मिली है, वो माँ की दुआओं का ही असर है। इसलिए शायर ने यहाँ पे कहा है कि इसके ही दम कदम से, यानी माँ की ही वजह से हमारी इस दुनिया में हमारा जो है वो बोलबाला, यानी शोहरत, इज्जत, तरक्की है। एक एक सदी ढलेगी पर माँ नहीं मिलेगी। यह सदी से मुराद है 100 बरस, और सदी ढलना से हम कह सकते हैं बरसों गुजर जाना। यानी एक एक सदी यानी बरसों गुजर जाएंगे पर हमें माँ जैसी अजीम हस्ती दोबारा नहीं मिलेगी। यानी अगर एक बार हमने अपनी गलत हरकतों की वजह से अगर अपनी माँ को खो दिया है तो हम ला कोशिश करें पर हमें दोबारा जो है वो माँ हासिल नहीं होगी। यानी जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, एक एक सदी ढलती जा रही है, पर हमें क्या नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी। लाजिम है इसकी खिदमत, लाजिम है इसकी इज्जत, लाजिम ज़रूरी। यानी माँ की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है, माँ की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ का मर्तबा तमाम चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। माँ ने हमें इस दुनिया में लाया है, माँ ने तकलीफ़ उठाकर हमें पाला पोसा बड़ा किया है। इसलिए शायर ये कहना चाहते हैं कि माँ की इज्जत और खिदमत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाँव तले इसी के है आदमी की जन्नत। बिल्कुल सही बात है, हमें माँ के एहसान का बदला अदा करना आसान नहीं है। जब हम अपनी वालिदा की खिदमत करना चाहते हैं और उसे हम खुश रखते हैं, तभी कहा जाता है
कि बच्चों माँ की कदमों तले जन्नत है, यानी कहने का मुराद ये है कि हमें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो हमें अपने वालदा की खिदमत करना चाहिए, उन्हें हर हाल में खुश रखना चाहिए, उनकी इज्जत और उनका एहतराम करना चाहिए। तभी हम, इसीलिए शायर कहता है कि तभी माँ की खिदमत और इज्जत करेंगे तो जो माँ के कदमों के नीचे जो जन्नत है, हम वो जन्नत माँ की खिदमत करके ही हासिल कर सकते हैं। महफिल हर एक सजेगी पर माँ नहीं मिलेगी। फिर शायर यही कहना चाहते हैं कि अगर एक बार हमने अपनी गलत हरकतों की वजह से माँ को नाराज़ करके अगर हमने अपनी माँ को खो दिया है तो महफिल जो है हर तरफ है, लेकिन उस महफिल में हम किसे नहीं पाएंगे, अपनी माँ को। इसलिए बच्चों शायर ये कहना चाहता है कि माँ जो एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसकी इज्जत अदब एहतराम करना लाजिम है। माँ ने हमें किस तकलीफ़ से पाला पोसा बड़ा किया है वो हम नहीं जानते, और ना ही हम माँ के एहसान का बदला अदा कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो माँ के पाँव के कदमों के नीचे जो जन्नत है, यानी कदमों तले जो जन्नत है वो हासिल हो, तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है कि हम माँ की खिदमत करें। बच्चों माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रखी है जिसके कदमों में जन्नत, खुदा ने रखी है जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। बच्चों माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको खुदा ने एक बहुत ही अजीम मर्तबा अता किया है। आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, ज़िंदगी यूं सब पर मेहरबान नहीं है। ज़रा देखो अपने तरफ चारों तरफ बच्चों, किसी के पास रोटियां नहीं हैं, किसी के पास माँ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंसान ह्यूमन के पास ही माँ हो, जानवरों के पास भी है। खुदा ने इस दुनिया में जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, सबको माँ जैसा खूबसूरत लफ्ज, शख्सियत, अजीम हस्ती अदा की है, यानी हमें उनकी इज्जत और एहतराम करना भी वाजिब है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी नज़मियाँ ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।